मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूर्वा विधानसभा क्षेत्र के ब्लॉक हिलोली के गांव शगौली में एक घंटे के कार्यक्रम में रहे, जिसमें एक सभा को संबोधित करते हुए बताया कि वो 55,42,84,000 रुपए की 33 परियोजनाओं का लोकार्पण और 26,46,24,000 रुपए की 9 विकास योजनाओं का शिलान्यास के बारे में बताया। साथ ही विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र दिए। इसके बाद जनसभा को संबोधित किया। कार्यक्रम की व्यवस्था के लिए अफसरों की जिम्मेदारी तय कर ड्यूटी लगी दिखी। मीडिया से नगर मजिस्ट्रेट चंदन पटेल ने बताया कि मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर 2 बजे सगौली हेलीपैड पर उतरा, जहां से वो सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे। उन्होंने विभिन्न विकास योजना का लोकार्पण, शिलान्यास एवं लाभार्थी परक योजना के प्रमाण पत्र का वितरण व सभा को संबोधित किया। CMS डॉक्टर पवन कुमार को परावा 100-बेड हॉस्पिटल में सेफ हाउस की जिम्मेदारी भी दी गई और बताया कि वो विशेष डॉक्टरों की टीम को अलर्ट रखेंगे। आज मुझे आप सबको बताते सरकार न केवल लोक कल्याणकारी योजनाओं के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य कर रही है, बल्कि सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर के भी आपके गांव तक, आपके द्वार तक पहुंच रही है। आज प्रदेश में निवेश हो रहा है, आज प्रदेश के हर गरीब को आज भाषण की सुविधा उपलब्ध हो रही है, आज प्रदेश के हर नौजवान को सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरी देने की दिशा में सरकार ने तेजी के साथ कदम बढ़ाए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का एक मॉडल खड़ा करने का कार्य भी हो रहा है और साथ साथ आस्था का सम्मान करने का कार्य भी कोई कर रही है तो सरकार कर रही है। याद करिए, पिछली सरकारें तो सावन के महीने में कावड़ यात्रा नहीं निकलने देती थी। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।